मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आस्था। सो फाइनली आज मैं ये संगीत मेकअप लुक लेकर आ गई हूँ। सो हमको लग रहा है कि आपको हमारा सीरीज बहुत पसंद आ रहा है, तो उसके लिए थैंक यू दिल से। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत दिल से वीडियो बनाया था कि हाँ आप लोगों के लिए, कि हाँ आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों को पसंद आया तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ये संगीत मेकअप लुक क्रिएट किया है जिसमें मैंने ये ब्लू स्मोकी आइज़, ग्लिटर आइज़ बनाया है। मैंने ये ऑरेंज लहंगे के साथ क्रिएट किया है और मैंने यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहना है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस वजह से मैंने ये वेयर किया है। ये नेक पीस मतलब अलग है और फिर ये इयररिंग अलग है। ये इयररिंग किसी और, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने ये कंबाइन करके पहना हुआ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है। सो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर कुछ न्यू वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि मैं उस टॉपिक पे न्यू वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग अपने फेस को टोनिंग अच्छे से करेंगे ताकि हम लोग जो भी मेकअप करें वो हमारे फेस पे इफ़ेक्ट ना करे, और टोनिंग से बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। मैंने पहले यहाँ पे आई सप्लाई कर लिया है क्योंकि उससे हमारे स्वेट लॉक हो जाएंगे। सो मैंने फर्स्टली यहाँ पे अप्लाई किया है प्राइमर जो कि एन बाई बे का है। वो हमारे पोर्स को क्लोज कर देता है ताकि हमारे फेस में मेकअप अंदर तक ना जाए, वो हमारे फेस को रिएक्ट ना करे। यहाँ मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया है वो हेरेरोडा के पैलेट से। फिर उसके बाद मैं उसको सेट कर रही हूँ कंसीलर से, क्लीन कर रही हूँ ताकि हमारा आईब्रो देखने में एकदम शार्प लगे, बहुत ब्यूटीफुल लगे। इसी वजह से मैं पहले आईब्रो को क्लीन कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी अच्छे से ताकि हमारा आईब्रो एकदम क्लियर नज़र आए। फिर उसको उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट से उसको सेट कर दिया है एन वाई बे के। फिर उसके बाद मैंने ये हुडा ब्यूटी का पैलेट लेके उसमें से ब्लैक कलर पिक करके पूरे फुल इनर से आउटर भी तक अप्लाई करूँगी। देन मैंने यहाँ पे ऑरेंजिस कलर लिया है, फिर मैं ब्लैक के ऊपर ही अप्लाई करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, उसको मैं सिर्फ अपने इनर कॉर्नर से मिडिल तक अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमको ग्लिटर अप्लाई करना है। सो यहाँ पे मैंने ब्लू ग्लिटर लिया है, बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा था ग्लिटर। फिर उसके बाद मैंने ग्लिटर अप्लाई करके आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। मैंने हल्का सा शेड करने के लिए लास्ट में ब्राउन कलर भी अप्लाई किया था। फिर यहाँ पे जितने भी मेरे ग्लिटर फॉल आउट हुए हैं उसको मैं हटा रही थी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी का फाउंडेशन लेके फुल फेस फाउंडेशन अप्लाई किया है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, लाइट कवरेज है, बहुत अच्छा, मतलब लाइट टू मीडियम कवरेज देता है, बहुत अच्छा इसका कवरेज है। और यहाँ पे एन वाई बी का कंसीलर लेके मैं अपने हाईलाइट कर रही हूँ पॉइंट्स को जहाँ पे डार्कर लग रहा था। फिर इसके बाद मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंड करने के बाद हम इसको सेट कर देंगे लूज़ पाउडर के, जो कि ब्लू हेवन का मैंने लिया है। सो अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर पिक करके अपने आउटर को स्मोकी लुक देने के लिए वहाँ पे लगा रही थी। फिर उसके बाद मैंने काजल अप्लाई किया है, एन वाई बी का काजल है, ब्लश अप्लाई किया है जो कि सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, ब्लश का नाम भूल गई, याद नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है मेकअप को। फिर उसके बाद यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई की है। लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी जो कि बहुत ही शाइनिंग लग रहा था, बहुत प्यारा लगता है, मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए किस किस को हाइलाइटर बहुत अच्छा लगता है अपने फेस को ग्लोई ग्लोई करने में। सो यहाँ पे मेरा मेकअप डन हो गया, चलिए देखते हैं कैसा टर्न आउट हुआ है। मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तो
तुझ में बसी है मेरी जान, आए जिया धड़क